हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बहुत ही डिफरेंट तरीके से फ्लैप लगाने का तरीका। हम इसमें कफ भी लगाएंगे और फ्लैप भी लगाएंगे, तो बिल्कुल ही डिफरेंट वे है ये, एकदम नया तरीका है ये। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा फ्लैप लगाने का तरीका। तो आप देख लीजिए, ये जो स्लीव्स है मैंने जो नॉर्मल स्लीव्स होती है उस तरीके से कट कर लिए हैं, और इसके जो हम कफ लगाएंगे वो हम पैंट के मैचिंग के लगाएंगे। ये पैंट प्लाजो है इसके मैचिंग का, तो इसके हम कफ लगाएंगे, और जो कुर्ती का कपड़ा है जिसके हमने स्लीव्स बनाई है इसके हम कफ लगाएंगे। इस तरीके से हम कफ लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ये दो कफ बनेंगे इसके अंदर। तो देख लेते हैं किस तरीके से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से हमने मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम कफ लगाएंगे, तो कफ के लिए आपको जो भी आपकी स्लीव्स है आप देख लेंगे उसका बॉटम, जितना उसका बॉटम होगा उसके अकॉर्डिंग हम मेज़रमेंट लेंगे। देख लीजिए बॉटम के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेंगे, पर चौड़ाई जो आपको 3.5 इंच ही रखनी है, और ये जो बॉटम के अकॉर्डिंग हम लेंथ ले लेंगे इसकी। देखिए ये 8 इंच है, 8.5 इंच के समथिंग है, और चौड़ाई में 3.5 इंच ही लेंगे। ये मैं पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ, ये दाने वाली है, ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये दाने वाली पेपर पेस्टिंग है, देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये, बिल्कुल फैब्रिक की तरह होती है ये। और ये हमने लिया है प्लांट जो प्लाजो है उसका कपड़ा, और जो दाने वाली साइड है वो कपड़े की साइड रखेंगे हम, और इसको आयरन से पेस्ट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि फ्लैप के लिए हमें किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। तो ये जो है फ्लैप 10 इंच की हमने लेंथ लेनी है, और 4 इंच की हमने चौड़ाई लेनी है। इसमें 4 इंच की चौड़ाई और 10 इंच की लेंथ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें 2 फ्लैप्स बन के तैयार होंगी, तो इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों को ही पेस्ट कर लिया है, और इसके जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमने कट कर दिया है। तो इस तरीके से आपने भी करना है, जो मेज़रमेंट था वही है, 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, और दोनों को हमने पेस्ट कर लिया। आप देख लेते हैं कि इसको स्टिच किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले फ्लैप को देख लेते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करके, और एक हम स्टिच लगा लेंगे, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे हमें। देखिए स्टिच हमने लगा लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फ्लैप की मार्किंग करेंगे इसके ऊपर। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे मार्किंग हम। तो सबसे पहले ऊपर से हम लेंगे 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से 1.25 इंच पे हम एक मार्किंग लगाएंगे, ऐसे स्ट्रेट करेंगे उसे, और इस तरीके से सेंटर में हमने एक लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, देखिए इस तरीके से 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर, 0.75, और इस तरीके से 1 इंच अपर साइड में लेते हुए दोनों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से दोनों को आपस में मिला देंगे। अब देखिए नीचे 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेते हुए हम दोनों साइड से हाफ से 1 पॉइंट कम इस तरीके से लेके हम मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे, 1/2 से 1 पॉइंट कम, और दोनों को इस तरीके से इसको मिला देंगे। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट हमने लाइन डालनी है इसे, और इसको जो है हम चौक से डार्क कर लेंगे, क्योंकि यही सेम हमें दूसरी पे भी फ्लैप पे चाहिए, क्योंकि दो स्लीव्स हैं ना तो दोनों में फ्लैप लगेंगी, तो दूसरी स्लीव्स पे भी सेम मार्किंग है इसलिए। और इसे इस तरीके से पलट के ये मार्क को दूसरी साइड ले लेंगे हम, इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मार्क दूसरी साइड से आ गया है। अब इसको हम चौक से डार्क कर लेंगे, देखिए डार्क कर लेंगे हम। इस तरीके से अब इसको सेंटर से कट कर देंगे, और मैं आपको एक फ्लैप बना के दिखाऊंगी किस तरीके से करना है। तो जो हमने मार्किंग लगाई थी उसी पे हमने स्टिचिंग करेंगे। देखिए सिंगल स्टिच मैंने लगा लिया, इस पर एक स्टिच और लगाऊंगी मैं, डबल स्टिच लगाएंगे। आप भी इसी तरीके से डबल स्टिच लगाएं, ये ज़्यादा पक्का रहता है इसमें। तो डबल स्टिच मैं इसमें लगा लूँगी इस तरीके से, देख सकते हैं आप।
देखिए डबल स्टिच लगाने के बाद इसको एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। देखिए और कट लगा लेंगे तीनों किनारे पे हम, देखिए जहाँ से नोक बनी हुई है वहाँ से कट लगा लेंगे और इसको हम पलटेंगे। तो ये पेन की हेल्प से मैं इसे पलट रही हूँ, इस तरीके से आपको भी पलटना है इसको। इसको देखो अच्छे से इसको पलट लेंगे और इसकी जो जितने भी ये तीन नोक हैं इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ओपनर से। देखिए मैं ओपनर से कर रही हूँ, आप सुई से भी कर सकते हो। इस तरीके से अच्छे से कोने जो हैं इसके सेट कर लेंगे तभी इसकी फिनिशिंग दिखती है। इसको अच्छे से आपने करना है और किनारे पे अब इस पर हम स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे आपको स्टिच लगानी है इसमें। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम स्लीव्स में किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले आप सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरीके से और इसको देखिए फ्लैप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये स्टिच इस तरीके से ज़रूर लगाएं। देखिए स्टिच हमने लगा ली इस तरीके से। अब सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। अब हम इस पर स्टिच लगा लेंगे, हाफ इंच की गैप पे हम इस पर स्टिच लगाएंगे पूरे में। स्टिच हमने लगा लिया, अब इसको हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। राइट साइड पे इस तरीके से टर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एकदम किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे। किनारे पे स्टिच हमने लगा लिया है, इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच को फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हम पिन से सेट कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हमने यहाँ पे भी इस तरीके से स्टिच लगानी है। दोनों साइड स्टिच लग गई है, अब इसको हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड से उसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसको टर्न करेंगे हम फ्लैप को और हाफ इंच इस तरीके से करते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। स्लीव्स हमारी बन गई है, इसमें हम एक बटन लगाएंगे, फ्लैप के ऊपर एक बटन लगाएंगे हम। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।